हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, काफ़ी दिन के बाद आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी फ्री स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लॉन्च हुई है। कोलगेट कंपनी की तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। स्कूल स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट को, इवन इंडिविजुअल्स को भी ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। अप टू 30,000 रुपीज़ आप लोग इस स्कॉलरशिप की हेल्प से अर्न कर सकते हो। आपके बैंक अकाउंट में अप टू 30,000 रुपीज़ ट्रांसफर किए जाएंगे अगर आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन होता है इस स्कॉलरशिप में। इस स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, वो भी ऑनलाइन ही, जो कि आज मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूंगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपसे कोई फीस, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाता किसी भी फीस पे। इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आप लोगों को कोई भी एग्जाम भी नहीं देना होता, जस्ट आप लोग कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। बाकी डिटेल में आज इस वीडियो में आप लोगों को बता ही दूंगा ये स्कॉलरशिप आप लोग कैसे ले सकते हो। अगर आपको कोई और दूसरी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है, किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो भी आप लोग इस प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ही। एक एक करके सारे स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी गाइस, टाइम टू टाइम बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं कि इस टाइम पे भैया हम लोग ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को 250% सैलरी हाइक या फिर 42 LPA का पैकेज दिया जाए तो आप लोग क्या सेलेक्ट करोगे। ये आप लोग भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑफर्स हैं री लेवल के कैंडिडेट्स को मिले हैं। ऐसे 1400 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनको ये ऑफर्स री लेवल की हेल्प से मिल चुके हैं। री लेवल बाय अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फ्री ऑनलाइन टेस्ट है जो कि आप लोगों को आपकी स्किल के बेसिस पे जॉब दिलवाता है इंडिया के 800 प्लस टॉप कंपनीज में, पेटीएम, मीशो, स्विगी, शॉमी जैसी कंपनीज में आप लोग जॉब पा सकते हो। इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए री लेवल अपने कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है आप लोग को, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, टैक, HR, सेल्स और ऐसे 10 डिफरेंट डोमेन्स के लिए आप लोग अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो री लेवल प्लेटफॉर्म की हेल्प से। री लेवल की एक खास बात और है, इनके कोर्सेज में आप लोग को 14 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन गारंटी का मतलब यह है कि अगर आप लोग कोर्स में इनरोल कर लेते हैं, उसके बाद कोर्स आपको पसंद नहीं आता है, आप लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग विदाउट एनी क्वेश्चन अपना पैसा रिफंड ले सकते हो। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां पर सेटिस्फेक्शन गारंटी का यह ऑप्शन मुझे काफी बेस्ट लगा आप लोगों के लिए। बाकी री लेवल के कोर्सेज को आप लोग अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल से भी कोर्सेज से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लाइव क्लासेस का एक्सेस आप लोग को मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, री लेवल की लाइब्रेरी का एक्सेस आप लोग को मिल जाएगा। तो ये काफी बेहतरीन चीजें आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे आप लोग इनके री लेवल के जो काउंसलर्स हैं उनसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, वो आप लोग को डिटेल में सारी प्रोसेस समझा देंगे। गाइस, री लेवल कोर्सेज में करीब 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो इनरोल कर भी चुके हैं और काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोगों का भी अगर इंटरेस्ट बन रहा हो तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे शुभम से मिल सकते हो। इन्होंने BCom करने के बाद फ्रीलेंसिंग फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, वहाँ पर इन्हें डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड काफ़ी अच्छी लगी। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अब ये जॉब लेना चाहते थे, उस टाइम पर इन्होंने री लेवल बाय अकेडमी का फ्री टेस्ट दिया, टेस्ट में अच्छी रैंक लाई, क्वालिफाई किया और इनके पास 2 जॉब ऑफर्स मिले ही नहीं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं का रोल ले चुके हैं और काफी अच्छी जॉब ये इस टाइम पे कर रहे हैं। अगर आप भी टॉप टेक कंपनीज में जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग आज ही चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, कैसे आप लोग फ्री में स्कॉलरशिप ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो बड़ी फॉर स्टडी जो कि एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल है, उनकी तरफ से यह अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने कोलगेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप लॉन्च की है, जहां पे स्कूल स्टूडेंट को, यानी कि अगर आप क्लास 11th में इस टाइम पे पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप है। 3 ईयर का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो कोई भी, तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप है। प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए कोर्स है। इंडिविजुअल्स के लिए भी कोर्स है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कोर्स है, एक स्कॉलरशिप है यहाँ पे। एक एक करके सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग स्कॉलरशिप है, जिस भी स्कॉलरशिप में आप लोग एलिजिबिलिटी में मेंशन है, अगर आप लोग एलिजिबल होते हो तो आप लोग उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 5 स्कॉलरशिप है, एक एक करके अगर हम बात करें। पहली स्कॉलरशिप है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अभी 11th में पढ़ रहे हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड से हो आप लोग, अगर आप लोगों ने 2022 में 10th पास आउट की है और आपके 10th में 75% मिनिमम रहे थे और आपकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। इस स्कॉलरशिप में आपको
हर साल 20,000 रुपये मिलेंगे, यानी 2 साल के लिए 20,000 आप लोगों को आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, आगे कर लेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सेकंड स्कॉलरशिप जो है वो थर्ड ईयर थ्री ईयर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, जो 3 साल के बच्चे डिग्री करते हैं, जैसे BBA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, इस टाइप की जो 3 साल की डिग्री होती है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर आप लोगों ने क्लास 2022 में पास आउट की है तो आप लोग एलिजिबल हो। 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, यही एलिजिबिलिटी है। थर्ड स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, जो कि प्रोफेशनल कैटेगरीज के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं 4 साल के 5 साल के, जैसे BE BTech हो गया, BDS हो गया, MBBS हो गया और अदर इसी टाइप के जो प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 12th क्लास 2022 में की है, और यहाँ पे भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे स्कॉलरशिप में आपको 30,000 रुपीज दिए जाएंगे 4 साल के लिए, यानी हर साल आप लोग को 30,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे स्कॉलरशिप की हेल्प से। बाकी दो और स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए, जो दूसरी स्कॉलरशिप है उनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे पहली जो स्पोर्ट्स पर्सन की मैं बात कर रहा था, एक स्पोर्ट्स पर्सन की स्कॉलरशिप है जिसमें अगर आप लोगों ने लास्ट 3 ईयर्स में नेशनल या फिर स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया है तो आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अप टू 5,000 रुपीज यहां पे स्कॉलरशिप दी जा रही है नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप लोगों को। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कॉलरशिप इंडिविजुअल्स की स्कॉलरशिप है। अगर आप इस टाइम पे स्कूल में भी नहीं हो, कॉलेज में भी नहीं हो, बट आप लोग लोगों की हेल्प कर रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू कह सकते हैं, ट्रेनिंग्स के थ्रू आप लोग बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हो, 20 से 25 लोगों को ऐसी चीज़ें आप लोग कर रहे हो उनके साथ, तो आप लोग को ये स्कॉलरशिप के लिए आप लोग एलिजिबल हो। यहाँ पे आप लोग को 75,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप दी जा रही है। मान लो आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हो 20 से 25 बच्चों को, तो भी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो इस टाइप की 5 स्कॉलरशिप थी आप लोगों के लिए। यहां पे अगर हम लोग स्कॉलरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन देखें, यहां पे कुछ सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया हम लोग अप्लाई तो करते हैं बट मिलती नहीं है। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हो, काफी बच्चों को यहां पे इस स्कॉलरशिप का फायदा लिया है। अगर हम लोग 2021 में रिजल्ट भी देखें, ये जो स्कॉलरशिप थी लास्ट ईयर भी बच्चों के लिए लॉन्च हुई थी, वहां पे आप देख सकते हो हजारों बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएंगी, अलग अलग ये जस्ट मैंने ग्रेजुएशन की ही स्कॉलरशिप डिटेल ओपन की है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो बच्चों के नाम, यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ FAQ क्वेश्चंस की, जैसे कि अगर आपकी स्कॉलरशिप में जो कीप इंडिया स्कॉलरशिप है उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, जो मैंने आप लोगों को बता दी 3 कैटेगरीज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटीज़ हैं। अगर इस टाइम पे आप लोग थर्ड ईयर में हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ओनली 2022 में अगर आप पास आउट हुए हो 12th क्लास या फिर 10th क्लास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपकी फैमिली इनकम मिनिमम 5 लाख या फिर उससे कम की होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, इस स्कॉलरशिप में आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन का यही तरीका है, आप लोगों को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो भी मैं बता दूंगा, उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस स्कॉलरशिप में। अगर हम लोग बात करें स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को बड़ी फॉर स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये जिस भी स्कॉलरशिप में आप लोग एलिजिबल होते हो उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई बटन पे क्लिक करने हैं, उसके बाद आप लोग को जीमेल अकाउंट के थ्रू रजिस्टर कर लेना है। ये प्रोसेस आप लोग स्किप मत करिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रोसेस है, क्योंकि इसी प्रोसेस के बेसिस पे आप लोग का इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होना है। अगर कोई गलत डिटेल आप लोग ऐड कर देते हो तो सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोग को अपना मोबाइल नंबर देना है और सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अपनी प्रेजेंट क्लास बतानी, कौन सी क्लास में इस टाइम पे आप लोग पढ़ रहे हो, उसके बाद आपकी कौन सी स्टेट है इस टाइम पे और क्या जेंडर है, क्या रिलीजियन है, अपडेट कर देना है। ये जब आप अपडेट करोगे इसी के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप शो होंगी। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी टेस्टर यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले, जिसमें आप चेक योर एलिजिबिलिटी सबसे पहले पूछा जाता है। जैसे हम लोग फिल कर रहे हैं BE BTech प्रोफेशनल डिग्री स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है यस या नो, आप लोग इस टाइम पे BE BTech कर रहे हो या फिर इस टाइप की कोई डिग्री कर रहे हो। उसके बाद 12th क्लास आपने 2022 में की है या नहीं की है, उसके बाद आपने मिनिमम 60% मार्क्स गेन किए हैं या नहीं किए, और एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम है या नहीं है। चेक योर एलिजिबिलिटी पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करते कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ जाता है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग एलिजिबल हैं, बाकी आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिएगा। और जो भी इस टाइम पे बच्चा
अच्छा स्कूल में कॉलेज में जो भी डिग्री कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो यहाँ पे अब आप लोग डिटेल देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स, जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो टेंथ में कितने मार्क्स थे, कहाँ से आपने फिलअप किया, ट्वेल्थ में कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, उसके बाद फैमिली मेंबर्स की डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगी। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप लोग अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हो, कैफे जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेटेस्ट कॉलेज फी रिसिप्ट आपको चाहिएगी, स्टूडेंट की बैंक पासबुक चाहिए, आप लोगों का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड फ्रंट और बैक की फोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ में आप डोमिसाइल, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, टेलीफोन बिल या फिर राशन कार्ड की फोटो दे सकते हो, स्टूडेंट आईडी प्रूफ, इस टाइम पे अगर आप कॉलेज में हो तो आपको एक कॉलेज से आईडी मिली होगी, या फिर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर एडमिशन लेटर दे सकते हो अगर आपका अभी आईडी प्रूफ नहीं बना है तो। फैमिली इनकम प्रूफ में आप लोगों को यहाँ पे आईटीआर सैलरी स्लिप दे सकते हो, आप लोग अपने पेरेंट्स की फैमिली इनकम की आईटीआर रिटर्न्स दे सकते हो, या फिर फॉर्म 61 दे सकते हो। 10th की मार्कशीट डिटेल ऐड करनी है और 12th की मार्कशीट फोटो ऐड कर लेनी है आप लोगों को। उसके बाद यहां पे आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, उसके बाद मोर अबाउट योरसेल्फ का ऑप्शन है आप लोगों के पास, उसके बाद ये सारी डिटेल ऐड करके प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद आप देखोगे यहां पे सारे ऑप्शन कंप्लीटेड होने चाहिए, ये जैसे ही सारे ऑप्शन कंप्लीटेड हो जाते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं बचा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को मेल आईडी के थ्रू या फिर आपके मोबाइल नंबर पर ही बता दिया जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को फायदा उठाना है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।